दोस्तों इन्होंने चाट चूट की है, देखिए नहीं 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 जाता, इसको भी खा ले। पत्तों पे खटाई रख रही है। हाय, भी उठ गई है क्योंकि अभी तक ये सो रखी थी, है ना? थोड़ा ना बहुत ज्यादा सुस्त लग रहा होगा आपको भी, ये देखो, नहीं तो ये तो उछल उछल के नहीं ख्याल ही करता हमारे साथ, तो थोड़ा इसकी तबीयत आजकल खराब चल रही है। यहाँ पे ये रहे संतरे, तो फटाफट पहले इनको छील लेते हैं और बनाते हैं मस्त खट्टी मीठी खटाई। तो अभी दीना इसमें ना निराई कर दी है, गुड़ाई कर दी है, सॉरी। तो अभी है ना सलोनी, तो ये देखो ये भी अपना फोन लागी है यहाँ पे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई हूँ पापा अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 11 बजे, और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारे सोगड़े से, क्योंकि अभी मैं और दियार के हैं अपने बगीचे में, क्योंकि यहाँ पे हमने ना जो प्याज की डाली लगा रखी थी उसमें बहुत दिनों के बाद ना हम आज निराई कर रहे हैं, निराई गुड़ाई कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा गड्ढा भी हो रखा था। तो अभी दीना इसमें ना निराई कर दी है, गुड़ाई कर दी है, सॉरी। तो अभी इसमें ना थोड़ा पानी लगा रहे हैं। सलोनी और कामू जा रखे हैं ऊपर गौशाला, और हम तो नहीं गए क्योंकि वो दोनों चले गए थे, तो आज हम घर पे। वैसे भी आजकल ऊपर कुछ ज्यादा काम नहीं है, तो इसीलिए वो दोनों ही जा रखे हैं, बाकी हम सभी घर पे हैं, और नानी भी घर है क्योंकि आजकल नानी की छुट्टी पड़ रखी है, तो नानी घर पे है। बाकी मौसम पूरा साफ हो रखा है, एक भी बादल नहीं दिख रहे आसमान में। तो अभी देखो हमारा कालू यहाँ पे मस्त से सो रखा है, क्योंकि थोड़ा आजकल इसकी ना तबीयत खराब हो रखी है, और थोड़ा ना बहुत ज्यादा सुस्त लग रहा होगा आपको भी, ये देखो, नहीं तो ये तो उछल उछल के नहीं ख्याल ही करता हमारे साथ, तो थोड़ा इसकी तबीयत आजकल खराब चल रही है। बाकी डॉली और सुरभि तो बाहर है मस्त से धूप पे, क्योंकि अभी जा रही है मम्मी इनको पानी पिला के। कालू तूने भी खाया? बिना खाया तो इसको मम्मी ने ना फाना बना रखा था, जो कोदी का होता है उसका फाना दे या इसको। कालू देखो कितना सुस्त लग रहा है ये। तो अभी हमारी टकली भी उठ गई है क्योंकि अभी तक ये सो रखी थी, है ना, है ना, सो रखी थी, सो रखी थी। बाकी यहाँ पे आ रखा है एक चैन सही करने वाला, तो यहाँ पे हम बैग लेके गए हैं नानी, है ना टकलो, है ना टकलो, अभी दिन के 1 बज चुके हैं, और सलोनी कामो भी आ गए हैं ऊपर साई से, तो आज हम ना खटाई बना रहे हैं। बहुत दिनों से सोच रही थी मैं कि आज कभी हम खटाई बनाएंगे, तो फाइनली आज हम बना रहे हैं खटाई। तो नानी यहाँ पे ना वो भी ला गई है, नींबू लेके आ गई है, हमारा तो नहीं है नींबू का पेड़। बाकी यहाँ पे ये रहे संतरे, तो फटाफट पहले इनको छील लेते हैं और बनाते हैं मस्त खट्टी मीठी खटाई, है ना सलोनी? तो ये देखो ये भी अपना फोन लागी है यहाँ पे, बाकी एक का फोन देखो यहाँ पे वीडियो बनाने के चक्कर में ऐसे रख रहे हैं सभी, और बाकी मम्मी अभी ना साई जा रही है, तो अभी हम फटाफट से इनको छिलते हैं और खटाई बनाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखो हमने नमक भी मिक्स कर दिया है, पिसा हुआ नमक,
और इतना बड़ा थकलो करके ये देखो। हाँ घाम बापड़ होता तेरो। क्या बात है तेरे का कुछ बोलो क्या? क्या टेस्टी होगी कटाई। पर इसमें बहुत ज्यादा नींबू है, संतरे कम नींबू ज्यादा। मैंने बनाया ना बिल्कुल। तो दोस्तों अभी दीदी यहाँ पे पत्तों पे खटाई रख रही है। हाय इमले के पत्ते पे। दोस्तों इन्होंने चाट चूट की है, देखिए। मैंने नहीं चाटा, इसको भी खा ले। मैंने बहुत सारे नींबू खाए आज। तो अभी दिन के कितने बज रहे हैं? 2 बज चुके हैं और अभी हमारा खाना हो रहा है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने खटाई खाई। तो अब खाना खाते हैं, बाकी सभी तो बाहर ही है। बाकी आज मैंने खटाई बहुत ज्यादा खाई, क्योंकि ना उसमें नींबू भी डाल रखे थे और मीठे के लिए हमने थोड़ा क्या बोलते हैं शहद डाला था और थोड़ा चीनी डाली थी, तो काफी टेस्टी हो रही थी। तो अभी चलो खाना खाते हैं और फिर मिलते हैं आपको खाना खाने के बाद। अभी शाम के लगभग 5 बज चुके हैं और अभी मेरी तैयारी है ऊपर साई जाने की। और कल भी मैं गई थी, क्योंकि आज सुबह के टाइम पे ना मैं नहीं गई थी, तो सलोनी काम जा रखे थे, तो इस वजह से अभी मेरे को जाना पड़ रहा है। और ऐसे होता ना, अगर शाम को सुबह के टाइम पे अगर सभी जाते तो शाम के टाइम पे ऐसे होता है कि कौन जाएगा, इसलिए सुबह के टाइम पे एक को घर ही रुकना पड़ता है। और जो घर पे रुकेगा सुबह के टाइम पे, वो शाम के टाइम पे जाएगा घास देने के लिए। बाकी अभी के टाइम ना काफ़ी अच्छा होता है जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा मौसम रहता है, ना ज़्यादा गर्म होता है ना ज़्यादा ठंडा होता है। तो अभी मैं और गुन्नू जा रहे हैं, बाकी हमेशा की तरह गुन्नू ही मेरे साथ रहता है, क्योंकि गुन्नू की ड्यूटी भी, मतलब जैसे हमारी ड्यूटी है वैसी गुन्नू की ड्यूटी भी है ऊपर साई जाने की। तो सुबह के टाइम पे तो ये नहीं जा रहा है आजकल, और खैर आज तो गया था, आज सुबह को भी गया था, तो आज अभी मेरे साथ भी आ रहा है शाम को। बाकी नीचे की साइड ना कहीं आग लगी होगी, तो धुंध कोहरा लगा हुआ है और धूप तो चले गई है नीचे गाँव की। बाकी ऊपर की साइड ना हल्की धूप लगी हुई है और कहीं आग लगी होगी, तो इसलिए मौसम ना ऐसे हो रखा है। चारों तरफ कोहरा लगा हुआ है और सामने तक का गांव ना साफ नहीं दिख रहा है, इतना ज्यादा धुआं आ रहा है। तो अभी चलते हैं ऊपर साई को। और कल तो मैं 5:30 बजे गई थी, लेकिन अभी शायद 5 बज रहे हैं, तो अभी चलते हैं ऊपर साई को और मिलते हैं आपको ऊपर साई पहुँच के। तो अभी मैं पहुँच ही गई हूँ जाक राजा के गेट पे, और यहाँ से लगता है हमारा ऊपर साई जाने का रास्ता। यहाँ से सीधे ना एक तो मंदिर में जाता है रास्ता, और एक है ऊपर साई जाने वाला। तो चलते हैं अभी ऊपर साई को, और ये रहा गेट। आजा गुन्नू, और नीचे रहा हमारा गांव। आ गुन्नू। टाइम 6:15 बज चुके हैं और मैंने यहाँ घास भी दे दिया है। तो आज मेरे को ना लकड़ियाँ लेके जानी है, बाकी सोट में मैंने लकड़ियाँ भी रख दी है। तो अभी घर को चलते हैं, बाकी अंधेरा तो होने ही वाला है और घर पहुँच के सीधा अंधेरा ही हो रहा है। तो चलते हैं अभी घर को। बाकी जो ऊपर साई वाले थे ना वो भी चले गए हैं, और आजकल ना हमारे परिवार वालों के बैल भी यहाँ आ रखे हैं, तो वो तो कब का चले गए। जिस टाइम मैं ऊपर आ रही थी ना उस टाइम आहिस्ता चले गई थी, मतलब मेरे को ना नीचे रास्ते में मिली। तो अभी मैं और गुन्नू है यहाँ, सो चलते हैं अभी घर की ओर। बाकी मेरी सोटी यहाँ पे ये रही, तो मिलते हैं आपको सीधे घर पे पहुँच के।